हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका। स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वाटरमेलन यानी कि तरबूज के बारे में। गर्मी को दूर करने का तरबूज से अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता। तरबूज गर्मियों का सबसे खास फल है जो ना सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। तरबूज में 90% से ज़्यादा पानी होता है। यह फल कई जरूरी पोषक तत्वों से भरा है, इसलिए यह शरीर से जुड़ी कई परेशानियों को दूर करने का काम करता है। तरबूज फाइबर, पोटेशियम, आयरन और विटामिन ए, सी व बी से समृद्ध होता है। लेकिन इस फल को सबसे ज़्यादा खास इसमें मौजूद लाइकोपीन नामक तत्व बनाता है। यह तत्व एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और इसी से फल को गहरा रंग मिलता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं तरबूज के कुछ फ़ायदे के बारे में। तरबूज वजन घटाने में लाभदायक होता है। तरबूज का सेवन करके आप अपने बढ़ते वजन को कम कर सकते हैं। तरबूज में सिट्रुलाइन नामक तत्व होता है जो शरीर में फैले वसा को कम करने में मदद करता है। तरबूज में पानी की अधिकता होने के कारण यह डाइटिंग में वजन कम करने का अच्छा स्रोत माना जाता है। तरबूज कैंसर को दूर करने में सहायक होता है। तरबूज में बहुत अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है, इसलिए अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर से निजात पाना है तो आप तरबूज का सेवन करें, क्योंकि तरबूज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और भी बहुत एंजाइम होते हैं जो कैंसर को निपटने में मदद करते हैं। दोस्तों, तरबूज में मौजूद विटामिन ए और विटामिन सी सेहत के लिए भी लाभदायक होते हैं। विटामिन सी की मात्रा होने से यह हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। साथ ही विटामिन ए होने के नाते आँखों को भी स्वस्थ रखता है, शरीर को हाइड्रेट रखता है। तरबूज में 94% पानी होता है, तो यह शरीर के तरल पदार्थ की पूर्ति तो करता ही है, जिससे शरीर हाइड्रेट रहता है। इसमें मौजूद सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम शरीर एवं त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। तरबूज आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। नियमित रूप से तरबूज का सेवन करने से आँखें स्वस्थ रहती है, क्योंकि तरबूज में मौजूद बीटा कैरोटीन और विटामिन ए आँखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस फल के सेवन से आप रतौंधी और मोतियाबिंद जैसे रोगों से बच सकते हैं। दिल को मजबूत रखता है। दिल तभी स्वस्थ और फिट रहता है जब उसमें सभी तरह के शुद्ध खून का संचार होता है। तरबूज में पोटेशियम नामक पोषक तत्व खून को साफ और सही तरीके से प्रवाह में मदद करता है, जिससे दिल स्वस्थ रहता है। तरबूज का रस गुर्दे को स्वस्थ रखता है। दोस्तों, आज के समय में पेशाब ना होने की समस्या का सामना बहुत से लोगों को करना पड़ रहा है, जिसका मुख्य कारण पानी का अभाव है। इसलिए अगर आप अपने गुर्दे को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो तरबूज का सेवन करें। यह शरीर के हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर शरीर को स्वस्थ रखता है और लीवर को भी स्वच्छ रखता है। यह पेशाब में हो रही समस्या से भी निजात दिलाता है। तरबूज में पोटेशियम, मैग्नीशियम और एमिनो एसिड प्रचुर मात्रा में होता है। तरबूज का जूस पीने से त्वचा जवान रहती है। दोस्तों, बुढ़ापे के आते ही हर किसी की त्वचा झुर्रियां और काले सफ़ेद बिंदुओं से ग्रसित होने लगती हैं, लेकिन आज के पॉल्यूशन भरी लाइफ में इसके प्रभाव बहुत कम उम्र में ही दिखने लगते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी त्वचा के कसाब को बरकरार रखना चाहते हैं तो तरबूज का सेवन करें। इसमें पानी की अधिकता बहुत होती है जो त्वचा को कसने में मदद करता है। मांसपेशी में मददगार, तरबूज में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। इसके सेवन से मांसपेशियों से जुड़ी समस्या से बचा जा सकता है। साथ ही तरबूज और तरबूज का रस मांसपेशियों के दर्द को कम करने में मदद करता है। तरबूज में अन्य पोषक तत्व की तुलना में पोटेशियम की मात्रा कम होती है। तरबूज किडनी रोग से पीड़ित लोगों को लाभ पहुंचा सकता है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए तरबूज को दैनिक आहार में शामिल करना अच्छा हो सकता है। हड्डी स्वस्थ के लिए भी तरबूज के फायदे बहुत हैं। तरबूज विटामिन सी से भरपूर होता है, जो हड्डी के लिए
फ़ायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, त्वचा के लिए भी तरबूज के फ़ायदे बहुत है। इसमें पानी की अधिकता होती है, इसलिए यह त्वचा के सूखेपन को दूर करके स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करने का काम करता है। तनाव से मुक्ति पाने के लिए भी तरबूज का सेवन किया जाता है। तरबूज विटामिन सी से समृद्ध होता है, जो एंटी स्ट्रेस के रूप में जाना जाता है। विटामिन सी एक प्रसिद्ध एंटीऑक्सीडेंट है, जो चिंता, तनाव, अवसाद व थकान को दूर करने और मनोदशा को ठीक करने का काम करता है। तरबूज को चेहरे पर रगड़ने से निखार तो आता ही है, साथ ही ब्लैक हेड्स भी हट जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे तरबूज के कुछ फ़ायदे। अब किन लोगों को तरबूज का इस्तेमाल कम करना चाहिए, मैं उसके बारे में बताती हूँ आपको। दोस्तों, ज़्यादा मात्रा में तरबूज खाने से मांसपेशियों, नसों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तरबूज खाने के बाद लगभग आधे घंटे से एक घंटे तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। ज़्यादा तरबूज खाने से दस्त, उल्टी, गैस आदि परेशानियां हो सकती है। दोस्तों, तरबूज में पोटेशियम होता है और इसे ज़्यादा खाने से दिल की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। तरबूज में चीनी पाई जाती है, जिससे यह शरीर में शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है, इसलिए डायबिटीज़ के मरीज को तरबूज नहीं खाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा मात्रा में तरबूज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह खून में शुगर के लेवल को बढ़ा देता है, जिससे गर्भवती महिला को डायबिटीज़ होने का खतरा हो सकता है। दमे के मरीज को तरबूज खाने से बचना चाहिए। कुछ व्यक्तियों को तरबूज से एलर्जी हो सकती है, इसमें हल्के से लेकर गंभीर चकत्ते और चेहरे पर सूजन शामिल हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।